यस रोल रोल। प्रभारी जी, जहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं, किस चीज़ को लेकर चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी का आगमन कब हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 तारीख को 12 बजे इस स्थान पर कार्यक्रम है, बड़ा ही यशस्वी कार्यक्रम। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन के लिए आपके माध्यम से आग्रह भी कर रहे हैं समस्त लोगों को, एटा जिला, कासगंज जिला, बदायूं से संख्या सब यहाँ ना, फरीकाबाद से सब यहाँ आने वाले हैं, सब अलग अलग यहाँ पर विधानसभा में, विधानसभा में बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम। आज इस सुशासन को लेकर माननीय योगी जी भी आने वाले हैं कार्यक्रम में, और दोनों के माननीय मोदी जी माननीय योगी जी के समन्वय से उत्तर प्रदेश जो पूरा विकास की ओर अग्रसर किया है और एक जन समर्थन पूरी तरह से अबार दिखाई दे रहा है, जनता के आधार पर भी या जनता का पूरा उत्साह आज आने पर भी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जनता के बीच भारी उत्साह है कि लंबे समय बाद इस स्थान पर हमें लगता है कि पहली बार इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री कोई आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे नेतृत्व को यहाँ अभिनंदन के लिए लाखों की भीड़ यहाँ आने वाली। उनकी सामाजिक कितनी सीटें प्रभावित होंगी यहाँ से? आज ये पूरे के पूरे जो सेकेंड और थर्ड फेज का है, विशेष करके थर्ड फेज के जो सीट है, थर्ड फेज की जो सीट है वो पूरी तरह से प्रभावित भी होगी। और स्वाभाविक रूप से तो पूरा उत्तर प्रदेश ही माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे डबल इंजन की जो सरकार ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है, जो बीमारी उत्तर प्रदेश का, आज उत्तर प्रदेश का पूरा उगता हुआ उत्तर प्रदेश है और विकासशील उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, वो कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। सभी गरीब गुरबा से लेकर सबकी आवाज़ जो है आज वो दिखाई दे रही है किस प्रकार विकास की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। अखिलेश जी कहते हैं कि उनके भाजपा वालों की चर्बी उतार देंगे, उस संबंध में आपका क्या कहना है? शब्दों का जो वो प्रयोग कर रहे हैं, आज उनको खुद सोचना चाहिए कि वो जिस प्रकार से जिन्ना को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, आज हम लोगों ने गरीब गुरबा से लेकर किसान से लेकर सबकी आवाज़, सबको जो सुविधा मिली है सरकार से लेकर योजना से लेकर, वो इसलिए है कि मन का भाव है कि वो समाज विकसित करे, वो समाज ऊपर उठे। तो हम लोगों ने कहने का भी काम किया है, करने का भी काम किया है, और संकल्प पत्र के माध्यम से भी जो वादे हम लोगों ने किए थे, उन वादों को जो पूरा किया वो भी देने का काम किया है जनता के बीच में। और जो संकल्प के रूप में, कि संकल्प ही सिद्धि के रूप में, हम लोग उत्तर प्रदेश में जो संकल्प लेने का काम करते हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक स्वयंशील विकासशील राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है।